बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन सेंट्रियोल। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि सेंट्रियोल के ऊपर हम कॉन्सेप्चुअल लेक्चर लेकर आए हैं, उसके बाद अब एमसीक्यूज हैं सेंट्रियोल के ऊपर कि सेंट्रियोल क्या चीज़ है। सो कम टू द पॉइंट, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है? राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, सेंट्रियोल या पराक्सिसोम्स। सो आपको अच्छी तरह पता है कि सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि लोअर प्लांट्स में और एनिमल्स के तमाम एनिमल्स में पाया जाता है। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन है? सेंट्रियोल। एमसीक्यूज नंबर वन, करेक्ट ऑप्शन इज सेंट्रियोल। नंबर टू, द यूजुअल पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल्स इन रिलेशन टू ईच अदर is at right angle in higher plants, plant cells, lower plant cells, animal cells, both B and C। कहते हैं कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सेंट्रियोल जो हैं उनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर पाए जाते हैं। राइट एंगल मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल से मुराद 90 एंगल होता है। अक्सर ये निशान आपने कुछ यूं भी देखा होगा जब क्रिकेटर उस अपने रिव्यू के लिए इशारा करता है तो तब वो भी ऐसे इशारा करता है। सो दिस इज़ राइट एंगल जो कि 90 एंगल बनाता है। तो ये किस में पाया जाता है? ये जनाब पाया जाता है लोअर प्लांट्स में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और एनिमल सेल्स में। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है फॉर एमसीक्यूज नंबर टू, दैट इज बोथ बी एंड सी। बी में कौन है? लोअर प्लांट सेल्स। सी में कौन है? एनिमल सेल्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यूज नंबर थ्री, सेंट्रियोल आर कंपोज्ड ऑफ डैश प्रोटीन्स एक्टिन, मायोसिन, टिब्यूलिन ऑल। अब यहाँ पर बच्चे फिर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि चूंकि सेंट्रियोल के बारे में हमने पढ़ा था कि ये साइटोस्केलेटन के बेसल बॉडी से बनते हैं, तो साइटोस्केलेटन में हमारे पास एक्टिन, मायोसिन और टिब्यूलिन और ट्रोपोमायसिन, ये सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। सो लिहाजा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आल होगा। नहीं, आल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सेंट्रियोल जो है वो माइक्रोटिब्यूल्स के बेसल बॉडी से बनता है, और आपको अच्छी तरह पता है कि माइक्रोटिब्यूल्स सेंट्रियोल साइटोस्केलेटन के अंदर माइक्रोटिब्यूल बना होता है टिब्यूलिन प्रोटीन से। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा एमसीक्यूज नंबर थ्री के लिए? दैट इज टिब्यूलिन। नंबर फोर, डायमीटर ऑफ सेंट्रियोल इज 0.2 माइक्रॉन, 0.3 माइक्रॉन, 0.4 माइक्रॉन एंड 0.5 माइक्रॉन। सो ये तो दोन है, अगर आपको याद है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.2 माइक्रॉन। एमसीक्यूज नंबर फाइव, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन, सेंट्रियोल किन में एब्सेंट होते हैं? हायर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल ऑफ दीज। तो आल में तो एब्सेंट हो नहीं सकते। अभी थोड़ी देर पहले एमसीक्यूज नंबर टू में भी हमने पढ़ा कि ये लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। सो कौन पीछे रह गया? दैट इज हायर प्लांट्स। सो सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज जस्ट बिफोर सेल डिवीजन दे डुप्लीकेट एंड ईच पेयर मूव्स टूवर्ड्स ईच पोल। ऐसे कौन से ऑर्गेनेली हैं जो कि सेल डिवीजन से थोड़े से पहले डुप्लीकेट हो जाते हैं और उनका हर एक पेयर जो है वो ईच पोल की तरफ चला जाता है? उसमें है राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या लगता है आपको? राइबोसोम्स तो होते नहीं है, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं लेकिन पोल्स की तरफ नहीं जाते, तो न्यूक्लियोलस जो है वो भी डुप्लीकेट होता है लेकिन पोल की तरफ नहीं जाता। सो करेक्ट ऑप्शन सेंट्रियोल्स हैं जो कि डुप्लीकेट भी होते हैं और पोल्स की तरफ भी जाते हैं। नेक्स्ट, ईच सेंट्रोसोम हैज डैश टिब्यूल्स। हर सेंट्रोसोम में कितने टिब्यूल्स होते हैं? 20, 27, 30, 37। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है कि हर जो है सेंट्रियोल के अंदर 9 ट्रिपलेट्स ऑफ टिब्यूल्स होते हैं, ट्रिपलेट के अंदर 3 टिब्यूल्स होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 7 के लिए, अगर आप थोड़ा सा देखें कि 9 3s are 27 आता है, सो इसका करेक्ट ऑप्शन है 27। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट, ट्रिपलेट्स आर अरेंज्ड अराउंड अ सेंट्रल डैश, टिब्यूल, मैक्रो टिब्यूल, माइक्रो ट्यूब या एक्सोनीम। तो जो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ टिब्यूल्स हैं वो किसके इर्द गिर्द अरेंज होते हैं? दैट इज एन
एक्सोनीम. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यू नंबर 8 इज एक्सोनीम. नेक्स्ट, ईच सेंट्रियोल हैज ट्रिपलेट्स ऑफ टिब्यूल्स अराउंड एक्सोनीम. हर सेंट्रियोल में कितने ट्रिपलेट्स ऑफ टिब्यूल होते हैं? 7, 8, 9, 10. अभी एमसीक्यूज नंबर 7 में भी मैंने आपको बता दिया कि 9 ट्रिपलेट्स ऑफ टिब्यूल होते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज इज 9. 10, फॉर्मेशन ऑफ स्पेंडल फाइबर इज कंट्रोल्ड बाय डैश आयंस. स्पेंडल फाइबर की फॉर्मेशन कौन कंट्रोल करता है? कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम प्लस प्लस, आयरन या फिर हाइड्रोजन? आपको अच्छी तरह पता है, मैंने आपको बताया था. अगर थोड़ा सा रिमाइंड करें आप कि बायोलॉजी में जहां पर जॉइनिंग का काम आएगा वहां पर मैग्नीशियम प्लस प्लस पेश पेश रहेगा. सो यहां पर भी करेक्ट ऑप्शन कौन है? मैग्नीशियम प्लस प्लस. सो नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स विद काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर्स आर परफॉर्म एंड कंट्रोल्ड बाय डैश आयंस. कैल्शियम प्लस प्लस, मैग्नीशियम प्लस प्लस, आयरन प्लस प्लस या हाइड्रोजन प्लस? कौन सा आयन है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जहां पर भी जॉइनिंग या अटैचमेंट का काम होगा वो कौन करेगा? मैग्नीशियम प्लस प्लस करेगा. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर एमसीक्यूज नंबर 11 इज आल्सो मैग्नीशियम प्लस प्लस. तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सेंट्रियोल के बारे में एमसीक्यूज पढ़े. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.